माथे दौरा उठावा छठ घाटे पहुँचावा माथे दौरा उठावा हु पहुँचा पहुँचावा हो गई अरघ के बेरा हो गई अरघ के बेरा देखिए छठ में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जी, जाता जी, है जी। लेकिन एक भाव ये है कि छोटा बच्चा है उसको मालूम नहीं है और जब गेहूँ जब धोया जा रहा है तो वो उसको थोड़ा सा जूठा कर देता है तो उसपे जो व्रती है वो क्या कहती है धोई केानहा का बलकुआ हमारुरी अरे नाना का बलकुआ हमर दिहल जूठारी डटलो में पिटलो दिहलो डटलो में पिटलो दिहलो बलका का गारी अरे आबा के गुनैया मैया दीना बिसारी किया तन मन है तुझ प्यार पन लियो भूल न जइयो कंगन कंगन ना लियो तो ना लियो सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो आ जइयो आ जइयो मुझे लगता है कि शारदा जी के जो गाने हैं छठ के वो बहुत सुंदर है ओल्ड इज गोल्ड यस यस दो लाइन शारदा जी के गाने का हो जाए किरवा के पात पर गलन सुरू ज देवा झाके झुके किरवा के पात पर गलन सुरू ज देवा झाके झुके एकरलु करलू छठ बरतिया से झाके झुके पहले जो गाने बनते थे ना वो बड़े ही आ, आ, मतलब लोगों के दिल को छूने वाले बनते थे लेकिन आज जो गाने बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही विपरीत गाने बन रहे हैं और कहीं ना कहीं दुख होता है कि कहाँ हमारा भोजपुरी था और कहाँ आज भोजपुरी चला गया नमस्कार लाइव बिहार देख रहे हैं आप आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता बिहार का महापर्व यानी कि छठ महापर्व आने वाला है और हर तरफ छठ की धूम तो नज़र ही आ रही है क्योंकि बिहारी कहीं भी रहे छठ में बिहार जरूर आते हैं और छठ की धूम ही अलग होती है और गाने छठ के ऐसे हैं कि कहीं भी बजे तो दिल खुश हो जाता है और ऐसे कई गाने आपने सुने होंगे और उन्हीं गानों की आवाज से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मशहूर सिंगर देवी हैं छठ के गीत गाती हैं देवी माँ के गीत गाती हैं और खासकर छठ के गीतों में इनकी जो आवाज है सबसे ज्यादा जानी पहचानी है पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थैंक यू सो मच पहले बात तो आप बिहार आई हैं कैसा लग रहा है बिहार तो मैं अक्सर आती रहती हूँ अच्छा लग रहा है आप सभी लोग आए हैं छठ की तैयारी कैसी चल रही है देवी जी गाने अपने शुरू कर दिए बनाना और कब तक दर्शकों को सुनने मिल जाएंगे आ, बिल्कुल दो चार दिन के अंदर छठ के बहुत सारे गाने मैं लेके आ रही हूँ लगभग दस बारह सॉन्ग्स जो हैं वो नए सॉन्ग्स आ रहे हैं अभी छठ के जी अगर कुछ सुनाना चाहें हमारी जनता को एक पुराना सुना देते हैं और फिर एक नया सुना देंगे क्योंकि गाने मैंने रिकॉर्ड तो किए लेकिन मुझे बहुत सारे वर्ड्स याद नहीं है तो एक पुराने ही सुना देते हैं जोड़े जोड़े नारियर जोड़े जोड़े नारियर तोहे चढ़ई ना ये छठी मैया तोहे चढ़ई ना ए मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया भोरे भोरे आई बोना ए मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया भोरे भोरे आई बोना ारी झारी चौरा झारी झारी चौरा ચનન લિ પેવના એ છઠી મૈયા ચનન લીપોઈ હે મૈયા મોરી પાંચે પાંચે પનવા આ ખોઈ ચામ ભરઈ બવના હેમૈયા મોરી પાંચે પાંચે પનવા ખોઈ ચામે જોડે 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 ચામ ભરના તો હે તોહાર ए छठी मैया तो है चढ़ई बोना हे मैं मोरी हाथ है लेले भोरे भोरे ए मैया मोरी पाचे पाचे पनवा अखोई चा मैं भोर बोना बहुत खूबसूरत गाना अक्सर आपने सुना होगा अब तो ये पुराना हो गया अब नया चाहिए पुराने नए की बात अगर हम करें तो छठ में तो हर तरीके के गाने बजते हैं देवी जी को के गाने अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा छठ में देखिए छठ के जो ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स है वही दिल को छूते हैं जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं क्योंकि छठ का भी ना एक पार्टिकुलर धुन है जो इंसान रिलेट करता है तो मुझे लगता है कि जो भी पारंपरिक गाने हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सिंगर कौन से अच्छे लगते हैं आपको जो छठ के गाने मतलब जब आप सुनती हैं तो दिल खुश हो जाता है मुझे लगता है कि शारदा जी के जो गाने हैं छठ के वो बहुत सुंदर है ओल्ड इज गोल्ड के दो लाइन शारदा जी के गाने का हो जाए ठीक है इसको मैंने भी गाया है मैं सुना देती हूँ अपने दर्शकों को, को पारंपरिक तो जो भी गाने हैं उसको मैंने भी गाया है तो सुना देते पात देवा झुके पात पराऊ गैलन सुरु ज देवा झाके झुके ए करलू छठ भरतिया झाके झुके ए करलू छठ भरतिया से जाके झुके हम तो पूछे ये बरतिया से किकरा लागी हम तो पूछे ये बरतिया से ककरा लागी एक करलू छठ भरतिया से कक लागी एक करलू छठ भरतिया से लागे अच्छा देवी जी आप तो हर जॉनर्स के गाने गाती हैं चाहे हम बात करें युवा भी आपके गानों पर झूमते हुए नज़र आते हैं बुज़ुर्ग भी मिडिल एज के लोग भी आपको कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद है और छठ के प्रति इतनी रुचि क्योंकि अक्सर आपके जो गाने हैं छठ के बहुत खूबसूरत रहते हैं ये रुचि कहाँ से आई मुझे लगता है कि ये जो भारत देश है वो बहुत ही अद्भुत देश है इस मैं तो काफ़ी ट्रैवल करती हूँ मैं फॉरेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा रहती भी हूँ लेकिन मैंने आ, महसूस किया कि आ, इंडिया का जो कल्चर है और इंडिया के जो रीति रिवाज हैं वो इंडिया को बहुत स्पेशल बनाता है आप देखिएगा छठ में एक विशेष तरह की आस्था लोगों के अंदर आती है और जो एक, एक स्ट्रॉन्ग जो श्रद्धा है वो देखने को मिलती है और जिस तरह से महिलाएं पूजा करती हैं जिस तरह से परिवार जो है एकजुट हो जाता है ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही अद्भुत है और छठ का एक बहुत ही सौंदर्य आस्पेक्ट भी है जिस तरह से महिलाएं कपड़े पहनती हैं जिस तरह से जब वो कोसी भरती हैं दिए जलते हैं घाट पे जाइए तो किस तरह से एकदम दीपों की समझ समझिए कि माला बन जाती है तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही स्पेशल है हमारी और आप इसलिए देखिएगा कि इसलिए बहुत फॉरन से भी लोग भारत का जो कल्चर है भारत का जो ये स्ट्रॉन्ग आस्पेक्ट है उसको देखने के लिए आते हैं आपके जो नए गाने आ रहे हैं उसके दो लाइन हो गए एक आया है मेरा अरक के बेरा वैसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स आ ही रहे हैं तो वो दो चार लाइन मुझे याद है मैं अपने दर्शकों को सुना देती हूँ दौरा उठावा छठ घाटे पहुँचावा माथे दौरा उठावा छठि घाटे पहुँचावा हो गई अरग के बेरा 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 अब देरी ना लगावा जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा अब देरी ना लगावा जल्दी जल्दी पाँव बढ़ावा हो गल अरग के बेरा हो गई अरग के बेरा हो गई अरग के बेरा हो गई अरग के बेरा ये काफ़ी खूबसूरत गाना है और खास कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं और देवी जी हैं आपसे ये सवाल भी रहेगा क्योंकि इन दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री काफ़ी विवादों में भी घिरी हुई नज़र आ रही है उन विवादों से बचे कैसे और जिस तरीके की खूबसूरत भाषा है भोजपुरी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को भी जो कहीं ना कहीं भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं ये बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी भोजपुरी भाषी हूँ मैं छपरा की रहने वाली हूँ और मैंने देखा है कि जो हमारा जो भोजपुरी है वो बहुत उत्कृष्ट है आप देखिएगा ना कि भोजपुरी में जन्म से लेके मृत्यु तक के गाने हैं और वो इतने मार्मिक गाने हैं कि अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे बहुत सारे ऐसे मैंने गाने गाए हैं भिखारी ठाकुर जी के गाने गाए महेंद्र मिश्र जी के गाने गाए और वो सब बहुत ही अद्भुत है महेंद्र मिश्र ये महेंद्र मिश्र जी के भी बहुत सारे अंगूरी में डसलेबिया फिर भिखारी ठाकुर जी का बेटी बेचवा है जहाँ पे यंग लड़की की शादी बूढ़े व्यक्ति के साथ की जाती है तो क्या एक लड़की महसूस करती है एक बहुत सारी गरीबी का चित्रण है जब महिला गरीबी में होती है उसका पति परदेश होता है महिलाएं क्या झेलती हैं तो पहले जो गाने बनते थे ना वो बड़े ही आ, आ, मतलब लोगों के दिल को छूने वाले बनते थे लेकिन आज जो गाने बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही विपरीत गाने बन रहे हैं और कहीं ना कहीं दुख होता है कि कहाँ हमारा भोजपुरी था और कहाँ आज भोजपुरी चला गया है तो ये बहुत ही एक तरह से शर्मनाक बात है एक और बहुत ही जिसको आप बोल सकते हैं कि बहुत दुखद बात है जी जाते जाते आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे शारदा सिन्हा की आपने बात की ऐसे तो बहुत कलाकार हैं जिन्होंने छठ के गाने गाए हैं आपने भी बचपन से सुन के ही मन में होता है कि हाँ यार गाना अच्छा है मैं भी बड़ी होंगी तो गाऊंगी जिनको भी गायकी का शौक रहता है आपका कौन मन पसंदीदा गाना है और मतलब छठ का ही जी छठ का सुना देते एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने गाया था देखिए छठ में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है लेकिन एक भाव ये है कि छोटा बच्चा है उसको मालूम नहीं है और जब गेहूँ जब धोया जा रहा है तो वो उसको थोड़ा सा जूठा कर देता है तो उस पर जो व्रती है वो क्या कहती है वो सुना देता है बीन बीनी गेुुआ धोयें बीन बीनी गेुआ के दुआरे पसारी अरे नानहा कौलक हमर दिहल जुठारी अरे नाना कावलक हमर दिहल जुठारी डटलों मैं पिटलो दिहलो डटलों मैं पिटलो दिहलो बलका के गारी अरे आबा के गुनैया मैया दीना बिसारी अरे आबा के गुनैया मैया दीना बिसारी बिन बिन गेहुआ धोई के बिन बिन गेहुआ धोई के दूर और नाना का बालकुआ हमर दिहल जुठारी अरे नाना का बालकुआ हमर दिहल जुठारी अच्छा कोई ऐसा भाव है क्या जो प्रदेश में रहते हैं बिहारी और जब घर आने की इच्छा होती है लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है मन कचोटता है कि अब जाना है परिवार के पास छठ में मनाना है लेकिन आ नहीं पाते हैं हाँ ऐसे तो बहुत सारे मैंने गाने गाए हैं जहाँ पे आ, एक मेरा बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है राजधानी पकड़ के आ जाइयो जहाँ पति से यही गुहार कर रही है कि भाई तुम जब दिवाली छठ आयो तो कम से कम मेरे पास आ जाओ हाँ। आप सुनना चाहते हैं जब आए होली दिवाली तू ले आयो चुनरी लाली चुनरी ना लइयो तो ना लइयो सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। सजन राजधानी पकड़ के आ जइयो, आ जइयो, आ जइयो। ले लो कागज़ ले लो कलम लिख दो अपना पता बलम जाके जल्दी से आओगे खाओ पहले मेरी कसम तुझ तुझो भूल पकड़ के आ जाइयो जइयो ये बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन दोनों चर्चा हो रही है किसने बॉलीवुड में एंट्री मारी है और आपको हम बताएं कि देवी जी जो है आज से बहुत साल पहले एक थैंक यू मूवी आई थी उसमें इन्होंने एंट्री मारी थी तभी भी भोजपुरी गाती थी तो जो अभी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे है देवी जी तो आगे है ही वो गाने की भी दो लाइन हो जाए मैम बस आखिरी यही है गलती में इन्हें देख के जो यूं ही जरा सहस गई میری बचाए मेरी जान किरोया میں में फंस गई بچائے बचाए मेरी जान رزیاں गुंड में फंस गई तो देखिए थैंक यू पिक्चर थी जिसमें अक्षय कुमार थे और काफ़ी बड़े बड़े कलाकार थे जहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दोनों होड़ लगी हुई है कि किसने बॉलीवुड में एंट्री मारी किसने बॉलीवुड में एंट्री मारी तो आपको बता दें ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी सालों पहले एंट्री मारी है लेकिन वो हो हल्ला नहीं करते और बड़ी सादगी के साथ रहते हैं लोगों से मिलते हैं और यही इंसान की खासियत होनी चाहिए चाहे आप किसी भी मकाम पे हो धरातल से जुड़े रहें ज़मीन से जुड़े रहें हमारे साथ खास बातचीत करी थी बहुत शुक्रिया आप बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद